বাংলাদেশে দুইটা কানেকশন আছে এমন কিন্তু ইন্ডিয়াতে অনেকগুলা কানেকশন আছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম ইন্টারনেট স্পিড স্লো হয়ে যাচ্ছে কেন স্বাগতম সবাইকে বিটশোর রিঅ্যাকশনে আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আবারও আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সেই ভিডিওর টাইটেলটি হচ্ছে রিলায়েন্স জিও টু কন্ট্রাক্ট ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম ফ্যাক্ট অ্যাবাউট IAX অ্যান্ড IEX প্রজেক্ট তো দুইটা প্রজেক্ট এবং হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট যে সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম এটার সঙ্গে রিলায়েন্স জিওর যে সম্পর্ক সেটার বিস্তারিত হয়তো ভিডিওটার মধ্যে পাবো সারা দুনিয়াতে কিন্তু কেবল দিয়ে সব কিছু কানেক্টেড না সাবমেরিন কেবল দিয়ে তো সেক্ষেত্রে মনে হচ্ছে যে এখানে বড় যে কেবল কানেকশনটা সেটাই মনে হয় এখানে হতে যাচ্ছে তো সেটা সম্পর্কে হয়তো এখানে ডিসকাস করবে তো এখন এই কেবল ছাড়া কিন্তু আমরা অচল সব কিছু দুনিয়া অচল কারণ আমরা নেট কানেকশন টিভি কানেকশন যা কিছুই বলি না কেন সব কিছু কিন্তু এই কেবলের দ্বারাই হয়ে থাকে তো আমরা এই ভিডিওটি নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল স্টাডি আইকিউ এডুকেশন থেকে ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওটির লিংক আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে চাইলে আপনারা সেখান থেকেও অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি লেটস গো টু ওয়াচ ফর ভিডিও जिस प्रकार से देश के अंदर डिजिटल की सेवाएं बढ़ती जा रही हैं लोगों के पास मोबाइल फोन्स आ रहे हैं डेटा कंज्यूम ज्यादा हो रहा है इसके लिए जरूरी हो गया है कि हमें जो अंडर सी केबल सिस्टम है वो और ज्यादा बड़ा बनाया जाए बेहतर बनाया जाए ताकि जो इंटरनेट की स्पीड है जो रिलायबिलिटी है वो और अच्छी हो सके क्योंकि अभी भी आप देखोगे रैंकिंग के मुकाबले बाकी देशों के तहत तो यहां पर आपको बहुत अच्छा पोजीशन भारत का नहीं मिलेगा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर भी लेकिन यहां पर आप न्यूज देख सकते हो रिलायंस जियो ने डिसाइड किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडर सी केबल सिस्टम बनाया जाएगा ये आप देख पाएंगे सीएनबीसी का आर्टिकल है रिलायंस जियो टू बिल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम कनेक्टिंग इंडिया तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें वर्क कैसे करती हैं और इससे फायदा क्या होने वाला है तो देखिए स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले इसका जो बेसिक है जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स जिसकी आप अक्सर चर्चा करते हो इसके बारे में समझ लेते हैं अंडर सी केबल क्या होता है उसको समझ लेते हैं तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तो सबसे पहले ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो है बेसिकली एक प्रकार का लिंक कह सकते हो जैसे कि क्या होता है जैसे आपने पाइपलाइन सुना होगा पाइपलाइंस वगैरह होते हैं जोड़ा जाता है एक देश को दूसरे देश से भी जोड़ा जाता है हमारे देश के अंदर भी सिस्टम बना हुआ है पाइपलाइन का तो ये जो एक तरह से ऑप्टिक केबल से ये पाइपलाइन की तरह है यहाँ पर एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करते हैं चाहे अगर हम वॉइस की बात करें हम बातचीत करते हैं ना फोन पर एक चीज़ और ध्यान रखना कई लोग सोचते हैं कन्फ्यूजन हो जाता है कई लोगों को आपके एरिया में आपने टावर्स वगैरह देखे होंगे मोबाइल फोन के टावर्स वगैरह बने रहते हैं राइट तो वो जो टावर्स हैं वो क्या करते हैं बेसिकली वो टावर्स सिंपली आपका उस एरिया के अंदर कनेक्ट करने में मदद करते हैं अगर कोई कॉल आ रहा है तो आपके मोबाइल फोन में हो सके तो वो टावर आपसे मोबाइल फोन पर तक कनेक्ट करने की कोशिश करेगा अदरवाइज उसका जो सारा सिस्टम है वो अंडरग्राउंड सिस्टम से ही बना होता है बहुत कम ही ऐसा होता है जो सैटेलाइट के माध्यम से जो हम चीज़ें देखते हैं ना जैसे आपने सुना होगा स्टार लिंक प्रोजेक्ट जो एलॉन मस्क के द्वारा चला जा रहा है वो कंप्लीटली सैटेलाइट बेस्ड है उसमें अंडर केबल का कोई ऐसा रोल नहीं आएगा उसमें सब कुछ सैटेलाइट बेस्ड के माध्यम से ही आपको सारी जानकारी सारे इंटरनेट की स्पीड वगैरह है वो सब कुछ मिल जाएंगे लेकिन उसमें कई सारी कमी हो सकती है प्रॉब्लम है जैसे कि आपको बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करने हैं हजारों की संख्या में सैटेलाइट लॉन्च करने हैं तो एरिया कवर कम करता है वो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं उसके लिए ये जो ऑप्टिक केबल है फाइबर ऑप्टिक केबल ये पूरे विश्व को ग्लोब को एक तरह से जोड़ देता है और जितने भी वॉइस कॉल्स हो गए डेटा ट्रांसमिशन हो गया हर चीज यहाँ पर हो पाता है ये ध्यान रखिएगा ये लैंड के ऊपर तो लगा ही रहता है मतलब अगर सपोज पाकिस्तान भारत है अगर हम लैंड के माध्यम से करना चाहें वो भी होगा और अगर लैंड अवेलेबल नहीं है तो अंडर सी केबल के माध्यम से यहां पर उसको जोड़ा जाता है और विश्व भर की ज्यादातर टेलीकम्युनिकेशंस इंटरनेट ट्रैफिक वो आपको इसी नेटवर्क के माध्यम से देखने को मिलेगी जब हम सबमरीन फाइबर ऑप्टिक की बात करते हैं ये जो हम बात कर रहे हैं ना सबमरीन वाला पानी के नीचे से गुजर रहा है ये बेसिकली जो आपका सी बेड होता है सी बेड आप देख सकते हो सपोज यहां पर कोई स्टेशन होगा ठीक है यहां पर एक देश है कंट्री ए और यहां पर स्टेशन लगाता है तो यहां से क्या होगा कि ये जमीन पर ही ये जो सी बेड आप देख रहे हो ना नीचे यहां से ही इसको कनेक्ट करते दूसरे देश के स्टेशन तक यहां तक ले जाएगा तो ये होता है आपका सबमरीन केबल सिस्टम और अब आप खुद सोच के देखो अगर हम कोई भी केबल यहां से गुजर रहे हैं मतलब यहां से अगर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कितना ज्यादा डेप्थ होती होगी ओशंस की वहां से हमें ले जाना पड़ता है तो जो केबल है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होना चाहिए ये आप देख सकते हो इस तरह का कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जब हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बात करते हैं ये आप देख पाएंगे लेयर्स बने हुए हैं एक केबल्स के अंदर बहुत सारे केबल्स आपको देखने को मिलेंगे और यहां पर भी आप देख सकते हो नीचे वाला
ये स्पेशली यूज किया जाता है सबमरीन के लिए। मतलब कि क्या होता है ना कि जो लैंड वाला फाइबर ऑप्टिक केबल है और जो सबमरीन वाला है जो पानी के नीचे वाला है, उनमें कोई सच डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है प्रोटेक्शन का। क्योंकि अगर लैंड पर हम लगा रहे हैं तब हमें उतनी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक ठाक प्रोटेक्शन से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर सबमरीन के अंदर अगर हम लगा रहे हैं तो आप देखो यहाँ पर कॉपर अल्यूमिनियम पॉलीकार्बोनेट अल्यूमिनियम वाटर बैरियर हो गया, स्टैंडर्ड स्टील वायर्स हो गए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसके लिए इसको बोला जाता है आर्मर्ड केबल्स, ठीक है, इसको आर्मर्ड केबल्स भी बोलते हैं। आप देख सकते हो ये व्हाइट कलर का यहाँ पर है, इसके ऊपर एक लेयर लगाया गया, फिर उसके ऊपर लेयर लगाए जाते हैं और उसके ऊपर भी प्रोटेक्टेड लेयर लगाया जाता है, ताकि यहाँ पर अब आप खुद सोचो इतना ज़्यादा डेप्थ होता है, 8,000 मीटर डेप्थ तक भी इसको जो है अंडरसी केबल बिछाए जाते हैं। यहाँ पर रॉकी सर्फेस होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा और वहाँ पर हाइड्रोजन का भी नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो ओवर टाइम क्या होगा कि ये बहुत जल्दी डिटोरिएट ना हो, इसके लिए काफ़ी अच्छे प्रकार का केबल सिस्टम लगाने की कोशिश की जाती है। तो ये हो गया अंडरसी केबल सिस्टम। अब आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर जो मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस जियो इन्फोकॉम, इन्होंने डिसाइड किया है कि भारत को सेंटर में रखते हुए, अब आप देखो ऐसा नहीं है कि अभी कोई केबल सिस्टम नहीं है, मतलब कि सपोज यहां पर ये ईस्टर्न साइड है, ये आपका वेस्टर्न साइड हो गया, राइट, तो यहां पर अभी भी केबल सिस्टम है, लेकिन भारत को एज अ सेंटर पॉइंट रखते हुए ऐसा सिस्टम नहीं है। मतलब कि अगर यूरोप से कोई केबल सिस्टम जा रहा है तो आपका साउथ ईस्ट एशिया चला जाता है, भारत में तो क्या उसको जस्ट चलो ठीक है भारत भी है तो यहां पर कनेक्ट किया जा रहा है। पहली बार ऐसा होगा कि भारत को मद्देनजर रखते हुए यहां पर स्पेशली भारत की रिक्वायरमेंट, ये जो पूरा सिस्टम है केबल सिस्टम है वो पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी अंडर सी के माध्यम से। आई होप कि दिस मेक सेंस और आपको समझ में आ रहा होगा कि अंडर सी केबल इस बार का जो है वो रिलायंस बिछाने जा रहा है उसका मेन मकसद क्या है। और इसी की वजह से आप देखोगे तो बहुत सारी जो ग्लोबल पार्टनर्स हैं उनके साथ यहाँ पर बातचीत चल रही है, काम ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर एक कंपनी है, ये सप्लायर है जो सबमरीन केबल जो आपकी सप्लाई करती है, बिछाने का काम करती है, इसका नाम है सबकॉम, ठीक है। ये कंपनी क्या करेगी, टू नेक्स्ट जनरेशन केबल्स को डिप्लॉय करेगी। अब देखो टू नेक्स्ट जनरेशन केबल्स का मतलब अब यहाँ पर ये हुआ, दो प्रकार के केबल्स बिछाने की बात कही जा रही है। एक है आपका इंडिया एशिया एक्सप्रेस IAX सिस्टम, ये क्या करेगा, भारत को यहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशिया है जैसे सिंगापुर हो गया, इसके अलावा मलेशिया थाईलैंड, इन सबको कनेक्ट करेगा, मुंबई से चेन्नई से, इन सबको यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कनेक्ट करेगा। इसको कहा जा रहा है इंडिया एशिया एक्सप्रेस, एशिया को कनेक्ट करेगा। और दूसरा सिस्टम जो है वो भारत से आपका ईस्टर्न साइड की तरफ जाएगा, इसको बोला जा रहा है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। और यहाँ पर क्या है कि जो जो आपका इटली है वहाँ तक डायरेक्ट इसको बिछाने की कोशिश किया जाएगी। यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से डायरेक्टली इटली तक जाएगा, मतलब यूरोप पूरा कवर हो जाएगा। और बीच में यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, अफ्रीका हो गया, उनको भी यहाँ तक बिछाने की कोशिश की जाएगी। तो ये है आपका इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। तो दो प्रकार के केबल्स यहां पर बिछाए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, इस केबल बिछाने से आप समझो हो क्या रहा है कि पहले भी हमारे पास केबल है लेकिन उसकी कैपेसिटी होती है ना, कोई भी अगर सपोज एक आप ट्यूबवेल की तरह, एक आप पाइपलाइन की तरह देखो, पाइपलाइन की एक कैपेसिटी होगी, उसमें से उतना ही ऑयल या फिर गैस निकल सकता है, उसी प्रकार से केबल की भी उसी प्रकार से कैपेसिटी होती है। तो अगर डेटा कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, अगर हमें डेटा ट्रांसफर ज्यादा करना है इटली से भारत के अंदर, पूरे यूरोप से भारत के अंदर, तो और ज्यादा केबल चाहिए। और स्पेशली भारत को सेंटर में रखते हुए अब तो ये बनाया जा रहा है, तो यहां पर हमारे देश के अंदर जो स्पीड है, डिजिटल की सर्विसेज हैं, वो और ज्यादा बेहतर हो पाएंगे। ये जो IAX वाला है, एशिया को हम कनेक्ट करेंगे, ये मिड 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा बताया जा रहा है, और जो यूरोप के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं ये 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पर ये भारत को किस प्रकार से हेल्प करेगा, आई थिंक हमने काफी कुछ बताई दिया मैंने आपको यहाँ पर। तो अलग अलग स्टेशन क्या होते हैं भारत के अंदर, कई सारे प्रेजेंट में बताऊंगा क्या है, तो उसको अलग अलग स्टेशन के साथ यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो कंज्यूमर का आपका सर्विस है वो और बेहतर होगा। और यहाँ पर आप स्पीड देखो क्या लिखा हुआ है, इट विल प्रोवाइड मोर देन 200 टेराबाइट्स पर सेकंड। इतनी कैपेसिटी हमारे पास हो जाएगी, बड़ी मात्रा में केबल्स बिछाए जाएंगे, 16,000 किलोमीटर ये ओवरऑल कवर करेगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप देख सकते हो हमारा जो रैंक है वो बहुत पीछे है, इंडिया रैंक्स 131 आउट ऑफ 138 कंट्रीज। इंटरनेट स्पीड की अगर हम बात करें, इवन लोअर देन इराक, ठीक है। और प्रेजेंट में अगर मैं आपको बताऊं, जैसा मैं आपको कह रहा था कि भारत में आप देखोगे तो 15 सब केबल्स बताए जाते हैं जो कि 5 शहरों में मिलेंगे, मुंबई, चेन्नई, कोचीन, टूटीकोरिन और त्रिवेंद्रम। ये आप देख सकते हो यहाँ पर 5 शहर हैं
ये आपको देखने को मिलेगा, ये जो केबल्स की हम बात कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो केबल जो ओन किया जाता है, कौन सी कंपनी ओन करती है, वो टाटा कम्युनिकेशन है। उसके बाद कई सारे कंपनीज वगैरह हैं वो इसको ओन करते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो ध्यान रखना है, टाटा कम्युनिकेशन कोई बहुत ज़्यादा आपको मोबाइल सर्विस देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन ये जो कनेक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमें इंटरनेट वगैरह बाकी देशों के साथ जोड़ना है और बेहतर स्पीड चाहिए तो। और कंक्लूजन में यहाँ पर आप देख सकते हो जो जियो है उनका बयान आया था कि जो डिमांड है डिजिटल सेवाओं की आजकल देश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे वीडियोस की बात करिए, आप भी ये वीडियो देख रहे हो, वर्क फोर्स हो गया, 5G नेटवर्क या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी डिमांड बढ़ी है। तो इसको इंप्लीमेंट करना पैंडेमिक के समय एक चैलेंज है, लेकिन पैंडेमिक में ही आपने देखा होगा इसका डिमांड अचानक से बढ़ गया है, लोग ज़्यादा डेटा यूज़ कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम इसको अब यहाँ पर स्टार्ट करें। और एक अच्छी बात है कि यहाँ पर इसको बिल्ड किया जा रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडर सी केबल सिस्टम। जाने से पहले मैं आपको अटल इनोवेशन मिशन के बारे में अक्सर आप सुनते होंगे, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर, किसके अंडर आता है ये इसको आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहाँ पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पर डालता रहता हूँ। और ছিল হচ্ছে সাবমেরিন কেবল সিস্টেম নিয়ে, তো ওয়ার্ল্ড পুরাটাই এখন হচ্ছে সাবমেরিন কেবল সিস্টেম দ্বারা কানেক্টেড। তো আমরা যে ইউটিউব ফেসবুক যাই ইউজ করি না কেন, ইন্টারনেট কানেকশনের জন্য যে ধরনের ডেটা ইউজ করি না কেন, মোবাইল কমিউনিকেশনই হোক অথবা ব্রডব্যান্ডেই হোক, মূল যে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি সেটা কিন্তু সাগরের নিচ দিয়ে যে সাবমেরিন কেবল আছে সেটা দিয়েই কানেক্টেড। এবং বাংলাদেশে দুইটা কানেকশন আছে এই মুহূর্তে, কিন্তু ইন্ডিয়াতে তো দেখেছো যে অনেকগুলো কানেকশন আছে, কারণ অনেকগুলো পরও কিন্তু তাদের কম পড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কারণ স্পিড প্রয়োজন। যেমন এই কোভিড শুরু হওয়ার পর মানুষ যে হারে ভিডিও স্ট্রিমিং দেখছে এবং যে ধরনের কমিউনিকেশন করছে সবার সঙ্গে, ভিডিও কমিউনিকেশন, তো সবাই ভিডিও কমিউনিকেশন করে। আই মিন এখন হোয়াটসঅ্যাপে কল করলে ভিডিও কল, তোমার ফেসবুকে মেসেঞ্জারে ভিডিও কল করে সবাই এখন, এরকম বেশি বেশি ডাটা প্রয়োজন। যেমন হ্যাঁ, প্রচুর মিটিং হচ্ছে এখন, হ্যাঁ ভিডিও মিটিং হচ্ছে, তো এইসব মিটিং এর জন্য কিন্তু প্রচুর ডাটা প্রয়োজন। এবং তারপর ওয়ার্ক ফ্রম হোম যে করছে সেটার কারণে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ডাটা ইউজ হচ্ছে, কারণ বাসায় বসে থেকে কিন্তু তুমি ইন্টারনেটে কানেকশন থাকছো। আগে কিন্তু এরকম হতো না, তুমি অফিসে আসছো ইন্টারনেট কানেকশন আছে, বাট সবসময় তুমি ইউটিলাইজ করছো না, হয়তো বা তোমার অন্য কাজে বসতে হচ্ছে, কিন্তু এখন তো অটোমেটিক্যালি তোমাকে সবসময় কম্পিউটারের সাথে কানেক্টেড থাকতেই হচ্ছে। হ্যাঁ, এখন সবসময় কানেক্টেড থাকতে হচ্ছে, যারা বাসায় বসে অফিস করছে তারা তো ফুললি কানেক্টেড। তো এইসব কারণে হচ্ছে অনেক বেশি ডাটা প্রয়োজন পড়ছে। তো আমাদের দেশে যেমন হচ্ছে দুইটা সাবমেরিন কেবল দিয়ে কানেক্টেড, ইন্ডিয়াতে হচ্ছে অনেকগুলো সাবমেরিন কেবল দিয়ে কানেক্টেড, বাট সেগুলো হচ্ছে বিদেশি কোম্পানির কেবল। সো সেই জায়গায় রিলায়েন্সের জিও, ওরা আসলে ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট সাবমেরিন কেবল সিস্টেমের জন্য তারা নিজের একটা সিস্টেম দাঁড় করাতে যাচ্ছে, সেটার জন্য কিন্তু তারা তাদের দেশকে মধ্যস্থ মানে মাঝখানে রেখে বাকিগুলোকে কানেক্টেড করতে চাচ্ছে। কারণ তারা এখানে দেখালো যে দুই ধরনের কানেকশন তারা করতে চাচ্ছে, এবং একটা হচ্ছে যে সাউথ এশিয়ার ভিতরে তারা কানেকশন করতে চাচ্ছে, এবং আরেকটা তারা চাচ্ছে যে ইউরোপের সঙ্গে তারা কানেকশনটা করতে চাচ্ছে। তো ইউরোপের কানেকশন হলে দেখা যাবে যে ইউরোপের টোটালটাকে তারা কানেক্ট করতে পারবে, এবং সাথে আফ্রিকার কিছু কিছু অংশ হয়তো তারা কানেক্ট করতে পারবে। তো এটার সুবিধা হচ্ছে যে তারা যেহেতু স্টেশনটা তাদের ওখানেই থাকবে, তাদের হাতে কন্ট্রোল থাকবে, এবং তারা হিউজ পরিমাণ স্পেসও পাবে আমার কাছে মনে হয়। হ্যাঁ, তারা দুই পাশ থেকে আসলে ডাটাটাকে নিতে পারবে। এখন যেটা হচ্ছে তারা মাঝখানে থেকে যেটা ইউজ করতে পারছে সেটা আসলে পুরোপুরি ইউজ করাটা এত ইজি না, আর যখন নিজের কাছে থাকছে তখন তো নিজের মতো করে ব্যবহার করা যাচ্ছে। তো এই সাবমেরিন কেবল সিস্টেমটা দিয়ে কিন্তু পুরো পৃথিবীটাকেই আসলে এখন কানেক্টেড করা, পুরো পৃথিবীকে আসলে তার দিয়ে পেঁচানো হয়ে গেছে অলরেডি। এবং এই ক্ষেত্রে সাবমেরিন কেবলের কিন্তু অনেক সিকিউরিটির প্রয়োজন পড়ে, যেমন হচ্ছে যেহেতু সাগরের অনেক নিচে এবং সেই ক্ষেত্রে অনেক হাজার মিটার বলো নাকি এরকম কিছু একটা যায়, তো এত নিচে যখন থাকছে এর অনেক প্রোটেকশন থাকা প্রয়োজন। এবং মাঝে মধ্যে শুনেছ যে এখন কি জানি যে ইন্টারনেট স্পিড স্লো হয়ে যাচ্ছে, কেন, যে সাগরে সাবমেরিন কেবল কাটা পড়েছে, দেখা যায় অনেক সময় তিমি মাছ, হাঙর মাছ এরকম কোনো মাছের দ্বারাও না অনেক সময় তার কাটা পড়ে যায়। তো সেজন্য অনেক প্রোটেক্টিভ লেয়ার ইউজ করা হয়। অনেক সময় দেখা যায় সাগরের নিচে ভূমিকম্প হয়ে থাকে, সেসব কারণে অনেক সময় আসলে কেবলগুলো ছিঁড়ে যেয়ে থাকে, এবং এইসব কেবলগুলো কানেক্ট করাটাও কিন্তু এবং রিপেয়ার করাটাও কিন্তু একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ বলা চলে, কারণ কোথায় হয়েছে, কত দূর হয়েছে, সেই জায়গায় গিয়ে তারপর কানেক্ট করে। তো এই সব কিছুই আসলে রিলায়েন্স এখন এই পার্টে জয়েন করছে, সেই ক্ষেত্রে বলবো যে ইন্ডিয়ার জন্য এটা আসলে একটা বড় সুযোগ, কেননা একে তো নিজেরা এই সাবমেরিন কেবলটাকে তারা নিজেদের মতো ব্যবহার করতে পারবে, এবং সাথে সাথে অন্যান্য দেশকে তারা এটা ভাড়াও দিতে পারবে।
তো ওভারঅল ভিডিওটি আমাদের কাছে ভালোই লেগেছে, আর আমাদের ভিডিওটি যদি আজকে আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতো এখানেই বিদায়।